up to public demand. और हम हैं लेजेंड कुमार और हम हैं पट्टी नूरे फातेही. हमने अपनी जिंदगी में एनाकोंडा का डांस भी देख लिया. आप अपना नाम दुरुस्त करवाइए पट्टी उल्लू की. सही कहा मोहसिन, उल्लू की पट्टी ना घर की ना घाट की. घाट पे रश हो तो धोबी पोतड़े घर पे ही धो लिया करे. शट अप. सुनो जी जी, हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह. मैं जानता हूँ लेजेंड कुमार साहब, आप खैरात नहीं लेते, आप सिर्फ सदके की सिरी लेते हैं. सुनो गोंचू सर, हम तुम्हें इलेक्शन में मारेंगे. व्हाट? हलका भी हमारा होगा, आरओ भी हमारे होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड भी हमारी होगी. ओह माय गॉड, लेजेंड कुमार का मतलब ये है कि सेटिंग भी हुई हो और मुकाबले में कोई ना हो. वहीं जहां कोई वोट पाता ना हो. ऐ तंदुरुस्त गाय, किसी का नाम 2/3 मेजोरिटी है. हेलो बैंस के किले, अगर मुकाबला करना ही है तो मेरी गुरु नूरा फातेही की तरह करो, जिसने मलाइका अरोड़ा चल छैया 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 और मुन्नी बदनाम हुई में नॉकआउट किया था. वैसे आप इतना कस कस के नूरा फातेही का नाम ले रही हैं, आपकी कोई चीज भी उनसे मुमासलत नहीं रखती. हेलो शट अप गुजरा वाले दिचिड़े. नूरा फातेही 70 cc है और मैं अनलिमिटेड हूँ. ओके सही बताओ कि तुम 2.5 crore cc हो. इसे मेरी सीसी का पता है, ये मेरी दाई का बेटा है. और बल्कि किसी अताई का बेटा है. सही कह रही है, हमारी अम्मी के हाथों ये केस बिगड़ा है. आपको जितना सांस चढ़ गया मुझे लगता है आपकी दाई का टाइम हो गया. है क्या कहा? ये बाजी ना मुझे नूरा फातेही का गेंडा ज्यादा लग रही है. फालतू. नहीं नहीं नहीं, आई एम प्रिटी श्योर नूरा फातेही का गेंडा भी इनसे ज्यादा स्मार्ट हो. हम सोच रहे थे इसकी शक्ल मिल किससे रही है ना. अभी तुम लोगों की दौड़े लग जाएंगी. आज का जो गेस्ट आ रहा है ना, उसने बहुत ज्यादा वक्त बॉलीवुड में गुजारा है और वो बताएंगे तुम्हें पट्टी नूरा फातेही इस बला का नाम है. वीर सिंह जी जी, मेहमान को मत बुलाना, हो सकता है शायद इसका वाकिफ ही निकला है. नहीं नहीं, बुलाते हैं, अभी दूध का दूध और केमिकल का केमिकल हो जाएगा. तो खवातीनों हज़रात, आज के पब्लिक डिमांड की स्पीड हाई पर लूप जितनी होने वाली है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान है वो बहुत खास है, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुनफरिद है, अपनी तर्ज के वाहिद आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं और थिएटर टीवी फिल्म हर जगह अपने पंजे गाड़े हुए हैं. द वन एंड द ओनली नसीब विकी. आदाब सर. थैंक यू जी. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम आदाब. शकील भाई कैसे हैं आप? सर वेलकम टू पब्लिक डिमांड. सर शदीद डिमांड है आप पब्लिक की. सर यकीन माने सर, डिमांड नहीं है अपना, आपकी मोहब्बत है. सर सर सर, और मेरा आना फर्ज है. अरे वाह भाभी. हाय मैं छज बताते वंडा, मैं कैदी कर ले नसीम विक्की नु. थोड़ा जा बीच बदल के शेर अपना कर ले. विकी डार्लिंग, होठों से छू लो तुम मेरी औलाद अमर कर दो, सोफे पे बैठ कर तुम सीट गरम कर दो. ओ मैं सर्दी का, होठों से जो छू लो तुम मेरे सोफे पे बैठ के मेरी सीट को नरम कर दो तुम. आखिरी गीत सुनाने आई हूँ. अच्छा नसीम विकी, मैं तुमसे महीने का खर्चा लगवाने आई हूँ. जी और ना आखिरी गीत का कह के अगो दूजा शुरू कर दूंगी. खर्चा तो मिल गया, शायद और सूटेगा. नसीम भाई अर्ज किया है, इन औरतों से दोस्ती अच्छी नहीं नसीम, अच्छा तेरा किरदार है कुछ तो ख्याल कर. अच्छा तेरा ख्याल है कुछ तो किरदार कर. देखिए भाई आज पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होगा. अच्छा जी आप तैयार हैं? या हमारे पास एक वकील भी है बैरिस्टर आगा माजिद, उन्होंने फीस देके जाया कर दी. अपने वाले ठीक है
बिल्कुल हां वो वकील दूजा ही है, मैं वकील कराएंगे वकील का मेरा तन मन वकील हो। और आगा माजिद को फीस ना दो बल्कि फीस सबील इल्ला दो। देखिए डार्लिंग आप लाहौर आ गए हो, अच्छा बॉलीवुड सारा सुनना पड़ा है, यकीन करिए आपको नूरा फातेह भी मिस करती है और मैं पट्टी नूरा फातेह आपका क्रश भी तो हूँ ना। नहीं जी जी, मेरी बहन तो क्रश नहीं, तू पूरा रश है। हाय लो मैं मर गई। अच्छा वजह की बनी? बहन कह दिया। अच्छा लेकी जानी। हाँ जी प्यार को प्यार ही रहने दो। हाँ। रिश्तों का नाम ना दो। तेरी जान कटने वाले रिश्ते ना टुर पे ने। विकी भाई आपने माशाल्लाह से थिएटर किया, फिल्म की, कोई ऐसा काम नहीं है इस इंडस्ट्री में जो सही किया हो। नहीं जो माशाल्लाह से आपने सारे काम अच्छे किए हैं, लेकिन आपने दोनों हाथों से धन समेटा है, है? बावजूद इसके मुझे गुमान होता है कि आप बिजली का बिल अदा करने के लिए हले भी शोर में दी रेडी लांदे हो। जब तक अपने शवारमे की रेडी पे ना आए और मुफ्त ना खाएं, किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन शवारमा बेचता है। मैं समझता था तुम मेरे मोहसन हो। विक्की सर मुझे जरा जहन पे जोर डाल के बताएं कि लास्ट टाइम सुई गैस पे पकी दूध पत्ती भाभी ने आपको कब पिलाई थी? आज भी गैस नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, चूल्हे के ऊपर बिल्ली सो रही थी। विक्की जानी, हाँ जी, वापसी पे ये सिलेंडर ले जाना साथ में। नहीं ये मुकद्दर का सिलेंडर है। चले चले ना चले ना चले। मुझे लगता है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है हमारे मुल्क पे कि जब गैस सिर्फ मेदों में मिला करेगी। वो तो मिल रही है सर, वो तो बहुत है, उसके जखायर तो देखे हमारे पास। देखिए भाई आपकी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा है माशाल्लाह से कि उनको बयान करते करते मुझे लगता है कि अगली हुकूमत भी गिरने का वक्त आ जाएगा। वो ये तो 5 मिनट लग देने हुकूमत गिरने में। मैंने लायलपुर के कोरे लट्ठे पर कुछ माहिए लिखे हैं। हाय 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 हाय, कोरे लट्ठे पे लिख दिया आए, आए, आए। सर अगर आपकी इजाजत हो तो अता करूं सर। जी जी प्लीज। ओ कोई करदा नकल फेंकी, आए कोई करदा नकल फेंकी, पहिंद सिंद जेनु मन दा नाएं नसीम वेखी, आए ओ दा नाएं नसीम वेखी, पर कोई रकबा बेनामी, आए कोई रकबा बेनामी, भाई आर्टिस्ट सिर्फ नहीं है कॉमेडी दा सुनामी, तौबा 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 कॉमेडी दा सुनामी, सुन के भाई ओ कोई लीडर पेन होया, ओ होई सुन के भाई लीडर होया, भाई अपना ही मुल्क नहीं बॉलीवुड भी फैन होया, होए बॉलीवुड भी फैन होया। बहुत शुक्रिया मोहसिन, बहुत शुक्रिया मेरी बात के, आप बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, और जो आप गाते हो जो आप बोलते हो उसमें तो कोई शक नहीं है, और जो आपने मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं तुम डिजर्व करते हो यानी, तुम आप तो हैं ही लेजेंड। हाँ हाँ, आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आप ही तो सारे रास्ते खोलने वाले हैं। नहीं नहीं वो रास्तों से बड़ा डक्के। आप बोलो मुझे पंजाबी की समझ नहीं आती, इधर ही खत्म हो जाएगी, इधर ही बात खत्म हो जाएगी, वाकई डक्के का मुझे समझ नहीं, छोड़ दो। अच्छा इसको मैं समझाती हूँ, हेलो दो डगे के लेजेंड कुमार। चुप हो जाओ, दो टगे की औरत। आप मुझसे इसके 50 मिलियन मांग रहे थे। अरे जाहिरी तौर पे ये डग नूरा फातेह है, अब इसके पेट फाड़ो, अंदर से दो चील मरी हुई, एक पानदान, दो टूटे चप्पल, दो अलमारी, और इसके अलावा और माँ देनी आती चीजें बरामद होंगी। ये औरत नहीं, रेकोडेक है, रेकोडेक।
अच्छा जितनी आपने चीजें निकाली आप इस पर औरत ना कहें पूरा गार कहें कोई। विकी भाई इससे पहले के लोगों को ये गुमान हो कि तुसी फेर चैनल बदल लिया आओ बैठिए। विकी भाई फैसलाबाद से ताल्लुक है आपका मेरा भी। फैसलाबाद में जिस तवातुर से और जिस रफ्तार से काके पैदा हो रहे हैं मेरा ख्याल है इकॉनमी सिर्फ खुसरियां ही सही हो रही है। आप समझाते क्यों नहीं है फैसलाबादियों को मेरे अलावा? नहीं फैसलाबादी को कोई समझा ही नहीं सकता है ना। हाँ जी पहली गलती है कि जरा फैसलाबाद पैदा हो गया फिर उन्होंने जुगत करने तो रोक नहीं सकता और जरा जुगत कर रहे हैं वो समझ लो कि फैसलाबाद का ही है। पर ये साड़ी जड़ी है ना अपना समझ लो कि एक फसल है तो फसल जड़ी है ना जी उसकी पैदावार होती रहेगी। देखिए बाबू हाँ जी मोहब्बत की इस फसल में मोहब्बत का हाल बन के चलो। अच्छा मुझे शादाब कर दो खुशहाल कर दो आबाद कर दो तुम्हारा क्या जाता है बड़ी चुटकी सिंदूर की मेरी मांग में भर दो और मुझे लाइलपुर की बहू बना दो। मौसम साहब इसे बताओ मैं संदूर वाला नहीं मैं तंदूर वाला मांग नहीं भर सकता इसकी चिता जला सकता। तुम मांग मत भरवाओ उसके साथ बैठ के मांग पत्ता खेल लो। विकी भाई ये बताइए कहाँ से ऑपरेशन होते हैं वो वाले जहाँ से मलिक नसीम वक्कास नसीम विकी बन जाते हैं? मेरे ताया अबू थे वो मुझे विकी कहा करते थे। अच्छा ओके तो मैंने तो जबरदस्ती ये नाम जोड़ा हुआ है। अच्छा। छोटा ही था जब उन्होंने ये नाम रख दिया था। अभी मेरी कल ही मेरे बच्चों से बात हो रही थी मैं क्या अल्लाह का ये शुक्र है बुढ़ा भी हो जाऊंगा ना लोग विकी कहने के बॉय वाला नाम है बॉय वाला नाम है। विकी बाबू तुम हमारे दौर में होते तो हम तुम्हें पूरब का कैरेक्टर दे के वो पश्चिम की तरफ निकल जाते और तुम वहाँ बेयार मददगार होते और धारावी की झोपड़पट्टी में राज बसर करते और उसी में रच बस जाते। राजकुमार साहब लोग सबको आगे लेकर जाते हैं आप मुझे पीछे लेकर जा रहे हैं झोपड़ियों। नहीं राजकुमार साहब को खुद भी तो देखे ना धारावी की सबसे खस्ता झोपड़पट्टी के मकीन लग रहे हैं आप। अबे ओ घोंचू चलते सिचुएशन में घुस रहे हो। चलती सिचुएशन पाक होती है वो किसी की भी वो पी लेते हैं। विकी बाबू झोपड़पट्टी में लेट कर सोच रहे होते और छत से गुरबत टपक रही होती सोचो घोंचू ऐसे में एक गजल ओवरलैप होती। कौन सी? तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख तू मेरी झोपड़पट्टी में उतर शाम के बाद। शाम के बाद तुम्हारा राशि बहुत होता है। हाँ ये औरत आ जाती है ना ये तो अकेले एक औरतों का हुजूम है ये। विकी डार्लिंग आपने शाम को उधर जाना है मेरी तरफ जब भी आना है रात को है? और पावे और खद्दे लेकर आना है। मतलब मैं अपना कोई काम ना करा उधर फिर जावा तो डेल फिर जावा पावे ले गया मैं खाद ले गया इस औरत ने तो खादी मुकाती है। विकी भाई आप महज एक आर्टिस्ट नहीं है आप एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है हम सब के लिए क्योंकि आप उन चंद बड़े और आला जर्फ लोगों में से हैं कि जो अपनी स्ट्रगल को अपनी उस मुशक्कत को कभी छुपाते नहीं है उसको फ्लॉन्ट करते हैं उसको बबांगे दोहल बताते हैं। तो सर जब आप नान भाई का काम किया करते थे और तनूर पे आप कुलचे नान रोटियां लगाया करते थे तब कौन सा हीरो आपके दिमाग में होता था कि कभी मैं भी ऐसे हीरो की तरह बनूंगा? हीरो तो कोई दिमाग में नहीं होता था ना कभी मतलब उस तरह कभी ध्यान गया था सिर्फ फिल्म देखते थे उस वक्त सुल्तान रही साहब ही होते थे जिनको देखते थे और उस तरह का कोई बन नहीं सकता था क्योंकि उस तरह का बनना आसे बंदे ने फिर दूसरे दिन ही या घरों च पेड़ा पै रही होंगी गरीबी मुतलका चंग चौकी बस अपने यही दिमाग में चलता था कि मेरा बाप जो मेहनत कर रहा है ना काश मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि मैं अपने बाप को रेस्ट करवा सकूं ये भी कभी फारग बैठ के खाए इतना काम करता बहुत। क्योंकि बाबू माँ जी की छोड़े ना आज ये बताएं तंदूर को देखकर दिल से ये आवाज तो नहीं निकलती कुलचा शौक लगा है खिलने। वाह 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 30 साल पहले छोड़ दिया था वो लगा है तंदूर फिर मिलने। मैं तंदूर हूँ तो आप इधर सिर्फ मोहब्बत के परौंठे लगा सकते हैं। आपके ऊपर तो गाने भी बहुत चले ना कौन से? तंदूरी नाइट वो भी तो गाना बना है मैं तेरे तंदूरी दी रोटियां हाथ पाके ते पड़ मेनू विक्की वे एडी रोटी कैसे तंदूर च लग सकती है? लग सकती है सिर्फ छंड के लगाओ। अच्छा रोटी नहीं छंडी जानी तंदूर ही छंडिया जाना। आपके जो बॉर्डर पार दोस्त हैं जैसे कपिल शर्मा और दीगर दोस्त उनसे रहता है आपका? नहीं असल में वो जो लोग हैं ना मैं आपको एक बात बता दूं वो कहते हैं कि काम खत्म इंसान खत्म। अच्छा वो सिर्फ काम के वक्त ही मिलते हैं। अच्छा ये पाकिस्तान है हम लोग हैं जो काम के बाद भी मिलते हैं क्या इसीलिए हमारी लड़ाइयां नहीं खत्म होती।
जो हम बाद में मिलते ना वो हमारा काम खराब करता है। काम करके बंदा आ जाए फिर अगले दिन काम पे जाए फिर वो काम हो जाता है। जब हम बाद में मिलेंगे ना हमारी जाती लड़ाई का असर फिर हमारे काम पे होता है। काम पे आएगा बहुत सर। हाँ अगर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छे से मिलते हैं दूसरे देशों में। और एक बात और, वो फोन इसलिए नहीं उठाते, इंक्वायरी आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। विक्की जी, इस बार जब आप इंडिया जाएंगे ना तो मुझे साथ लेकर जाइएगा। हमारे अब्बाओ इज्जत जो हवेलियां छोड़कर आए ना, मुझे वहां जाके टिकटॉक बनाने। अब्बाओ इज्जत नु हवेलियां तो ऐसे करके कड़िया सी करता। हालांकि अब्बाओ जाए सारे हवेली लखा ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात या शो से पहले कहते हैं या बाद में कहते हैं? आपके घर में भी चलना है शो, मेरे घर में भी चलना है। विक्की भाई, आपने पाकिस्तानी डांसिंग क्वीन नरगिस जी के साथ भी रक्स किया, नूरे फातेही का रक्स भी देखा। वाह सर, न्यूट्रल अंपायर बन के बताइए कि कौन अच्छी डांसर? नो डाउट नरगिस। नरगिस को मतलब डांस के ऊपर ऐसे महारत हासिल है, मतलब जैसे आप समझ लें कि जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा हो, ओके, या तेंदुलकर बैटिंग कर रहा हो, वो अपने काम की इसी तरह की मतलब फुल। अच्छा, ओके, शी इज द बेस्ट। सर, टीनेज में या नौजवानी में कौन सा ऐसा हीरो था जो डांस में आपकी इंस्पिरेशन था? गोविंदा जी। गोविंदा जी का पहला स्टेप आपने कौन सा किया था बंद कमरे में, वो तो मैं देखूंगा ही, लेकिन सर गोविंदा जी के डैडी जो हैं वो गुजरांवाला से हैं सर। उन्होंने खुद बताया, आपको बताया ना। मैं उनके पास जब गया था घर मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी यादें वापस आ रही। तो सर बुलाए ना, दावत देना सर, चिड़े खुआई उन्होंने गुजरांवाले से, लहरपुर लेके चली, उसको घंटा कर दो, आइसक्रीम खुआई उन्होंने। हाँ वैसे ठीक थे, आइडिया थे अच्छा। राजकुमार साहब आप भी जरा उनको करिए ना फरमाइश, और हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान आए अपने घर देखे चिड़े खान जरा, तो क्यों नहीं। तो अब वो पहला स्टेप, मैं उठे ही वो कौन सा था? अच्छा तो उठे नाम ही होंगे ना, यह जो चीजें मैंने भी नहीं बोल सर फिर। ओ मेरी राम कली मैं तुझे दिल जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे भाई से डरता हूँ, एक मैं हूँ एक तू है कोई दूसरा तो नहीं, बाहों में भरने का मौका भी है यही, देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए। ओ ओ इश्क लड़ाई चलो, इश्क लड़ाई चलो, इश्क लड़ाई सनम चलो, इश्क लड़ाई चलो, इश्क लड़ाई चलो, इश्क लड़ाई सनम। पुत्री पु पुत्री रजनीकांत, लेकिन एक्शन सलमान खान वाले दे रहा है। फर्क से सुधारे हुए राजकुमार ऐसा ही स्टेप उन्होंने किया हुआ है लुंगी पकड़ के, ए लुंगी डांस लुंगी। अरे भैया मिर्गी के मरीजवा होके। अरे कोनो गांव से आए हो? हदकी ने पकड़ोड़ा तिरगिरधानी, अन्ना हूं मैं अन्ना। अंधे हो? अरे अंधा नहीं, अन्ना रजनीकांत। थलाइबा मूंछो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मुंडे बना के, आई एम रजनीकांत, आई एम दिस दैट लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। अच्छा ये सब तो हो गया, रजनीकांत को हुआ क्या, शुगर हो गई क्या? अदर क्यों नंबर करे और तुम दे रहे कर देना। हाँ मेरा शुगर ने कुछ नहीं छोड़ा और तुम्हारा शुगर माफिया ने। देखो सानू गंदिया ना करो, तुसी ऐ दसो करण की आए होते। अदर क्या मरो, मैं विक्की बाबू को लेने आया हूँ, अब फिल्मों में मुझसे अकेले काम नहीं होता। अरे फिल्मों में काम कैसे नहीं होता आपसे, अभी इतनी हिट फिल्म दी आपने जेलर, तमन्ना भाटिया के साथ पकड़े नहीं जा रहे थे, अब नाच करते। अरे क्यों मतलब किने, शाहरुख ने मेरा नाम लेके बहुत कैश कर लिया अपने आप को, अब मैं विक्की के साथ अपना पेड़ बनाऊंगा और कैश करवाऊंगा। वाह वाह, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी जी। वाह विक्की भाई, पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ है ना,
आबादी के लिहाज से हम पांचवा मुल्क हैं। जब हम अपने सिनेमाज की तरफ देखते हैं तो तकरीबन 120 सिनेमाज हैं सर हमारे पास। तो आपके ख्याल में इंडस्ट्री में सरमाया कैसे आएगा? वही बात कि जब तक आप फिल्म नहीं बनाएंगे और दूसरा शऊर नहीं देंगे, हमारे अंदर एक शऊर का आना भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको तस्लीम करें पहले, ठीक है, सिनेमा को, एक्टर्स को तस्लीम करें। हमारे यहाँ अभी तक यही नहीं पता चला यह काम सही है या गलत है। बहुत सारे तबकात में मतलब इसको ऐसे ही देखा जाता है। मतलब अब थिएटर भी करते हैं या कोई काम करते हैं ना, तो जब देख रहे होते हैं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला अप्रिसिएशन हो रही होती है, क्लैप भी हो रही होती है, और बाहर निकल के जो राय होती है वो बड़ी अलग होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। अब उस राय को पहले ठीक करना, फिर उसके बाद हमारे पांच सूबे हैं, पांचों सूबों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उनकी लैंग्वेज में फिल्म बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर फैसल कुरैशी साहब का बयान भी एक सुनने में आया है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए, सिनेमाज को स्पेशली बचाने के लिए, हमें इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तानी सिनेमा की जीनत बनाना होगा। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने मुल्क में फिल्म बनानी होगी, उनकी फिल्म भी आए, वो भी लगे, हम वो भी देखें, कंपटीशन हो। बिल्कुल। फिर उसके बराबर की फिल्म बनाएं। अच्छा, मेहमान है, कुछ खाने के लिए पूछे उनसे। कौन मेहमान है? आपके लिए मुर्गियों की आंतड़ियां मंगवाएं एज ए नूडल्स के तौर पे। शुक्रिया, मुझे शुगर है। सूफी कर रहा है। अब तुम गाना गाओ सिर्फ, शुगर मेरे मन को किया तूने क्या। अरे जिन्ना शुगर करे ओना करते। देखिए सर, आपने बॉर्डर पार बहुत काम किया है, मुझे ये बताएं कि इंडियन पंजाब में हमारे कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो पॉपुलर हैं और बॉलीवुड में हमारे कौन से सिंगर्स को ज्यादा सुना जाता है? आपके सारे सीरियल वहाँ देखे जाते हैं, उनसे मतलब वो कहते हैं देखते भी हैं, सीखते भी हैं और कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं, बनाते भी हैं। तो अब आपके बच्चे बच्चे को वो जानते हैं। विकी बाबू, हमें एडवाइस दो, हम इस होस्ट को डिपोर्टेशन के जरिए इमरान हाशमी की जगह बॉलीवुड ले जाते हैं ताकि ये प्रोड्यूसर को भी सस्ता पड़ेगा। हाँ, प्रोड्यूसर्स को तो सस्ता पड़ेगा लेकिन हीरोइंस को बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, इस बात का हमें भी डर है। जानी, सॉरी, हम तुम्हें जानी कह रहे हैं, माफ करना। ये रही कंडीशन, इमरान हाशमी जब बॉलीवुड जाएगा तो वहाँ बुजुर्ग हीरो जिनके सिक्स पैक बुस और ट्रक गए हैं वो भी कमीजे पहन लेंगे और ट्रैवल वाला स्टेप भी चेंज कर लेंगे। और विकी डार्लिंग, प्लीज भूख लगी है, मेरे लिए दाल टावल मंगवाए ना। दाल टावल तो सारी दिहाड़ी दे टावल रहे ना, तो चुप कर जाओ। विकी भाई, आपने यूं तो पाकिस्तान और इंडिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया। गुज़िश्ता चंद सालों में सर आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया है, जुनैद सलीम साहब के साथ काम किया है, ताहिर सरवर मीर साहब के साथ काम किया। सर, इनके काम को जरा डिफरेंशिएट तो करें। देखिए, सारे अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी महारत रखते हैं और सबका काम करने का तरीकाकार जो अलग अलग है। मतलब ताहिर भाई के साथ जब आप काम करते हैं तो उसमें आपको ये होता है कि मैं जो एक बात कहता हूँ तो कि मेहमान को भी इजी हो जाता है कि कहीं फंस जाए तो जो आप भी बता देते हैं। ठीक है, एक तो मतलब पोलाइट और दूसरा पढ़ा लिखे और दूसरा साथ गुजरा वाला भी अंदर। नाल पलवान भी ओए तन्नू मैं कह रहा यार। हां बस वापस आना, पता है जे कह दे जान दे ना सता मैंने। मतलब चेस्टर भी पाया नाल रुमाली भी बनी। और आफताब इकबाल साहब, उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि वो कॉमेडियंस को पहले ले आते हैं फिर उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। उनका एक तरीका कार है कि जब बंदा आता है ना उनके पास, कहते यार कमाल आदमी है तू, मतलब मैं तेरे ड्रामे देखे ना यार, तुझे लोग किस तरह कर दियो गल, मतलब मैं तो हमें अप्रिशिएट की मगर रह ही नहीं सकता। और दो दिन बाद मुड़ के यार कहने बनाया तेन तेन काम ही नहीं आता। और जुनैद सलीम साहब, हाँ जी, वो मतलब नहायत ही शफीक और नफीस इंसान। अच्छा, जो मैं पहले उनको जब देखता था ना हसबे हाल में तो लगता था कि बस ना ये मतलब एक हल्की हल्की विट है, लेकिन जब उनके साथ काम किया उनके अंदर विट बड़ी अच्छी। अच्छा, वाह। पंच लाइन बड़ी जबरदस्त है, बड़ी खतरनाक मारते हैं। बाकी काम तो उनका जो पैकेज है तो अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, लेकिन जो पंच लाइन वाली है ना उन्होंने को खतरा होने लग पाया। कॉमेडियन तो पहले लाफ्टर लेंदे ने। ले। ए विकी बाबू, जानी, असल में हमारा असल नाम जो है वो कुलभूषण पंडित है। हाँ, चलो हमारे साथ बॉलीवुड में और हम तुमसे मदर इंडिया में बिरजू वाला रोल करवाएंगे और तुम पे इतना जुल्म करेंगे, इतना जुल्म करेंगे, आने वाली नस्लें पर्दा सिमी पे पीटीआई और कॉमेडियन का नाम लेना भी भूल जाएगी। वो जुल्म होगा, क्या ख्याल है फिर जानी? हाँ जी, चले चलते हैं, साथ इनको भी ले जाते हैं। क्यों? हम आगे आगे जाएंगे, हमारे पीछे आएगी। उन्होंने बनाई थी मदर इंडिया, हम क्या देंगे मगर इंडिया।
वो रोल विकी बाबू से नहीं, फर्क हबीब से करवाए। यानी हम और मार्क जकरबर्ग बैठ के सोच रहे थे जो बात तुझ में है वो देश बुक में कहा और तुमने यहाँ मीडिया के मोती लाल मोती चूर जुनेद सलीम का देश बुक ज्वाइन कर लिया, तो क्या अब हम फिल्में लकी डियर को लेके करें? नहीं, अगर आप जुनेद सलीम साहब को कहेंगे ना, अब उनका भी जहन बन गया फिल्म करने के लिए। और लकी डियर जब तुम्हारे साथ फिल्म करेंगे ना तो अनलकी डियर हो जाएगा। हमारी दुआ है लकी जैसा ही बेटा हो तुझे। क्योंकि भाई इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें सुहेल अहमद साहब और शकील भाई आपसे सीनियर है ना, बेशक। बाकी जितने भी कॉमेडियंस के अब मैं नाम लेने जा रहा हूं उनको आपने नंबर्स देने हैं आउट ऑफ 10। इफ्तिखार ठाकुर साहब, उसके काम के हवाले से उसको 10 में से 10 दिए जा सकते हैं। ठाकुर साहब स्क्रिप्ट के आर्टिस्ट हैं, क्या इसी कसरत से उनके यहाँ जुगत भी आती है? नहीं, जुगत नहीं आती, स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। रोल को जब लेकर चलता है ना फिर उसकी मत मार देते। जफरी खान, जफरी को मतलब 5-6-7 ठीक है। अच्छा, वैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने उन्हें ठंडे आर्टिस्ट का लकब दिया जबकि उनके यहाँ आमद भी है और एनर्जी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो आफ्ताब साहब ने उसके बारे में कहा ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ समझा ही नहीं कि उन्होंने कहा कैसे है। अच्छा, जफरी खान एक्टर है कि बहुत ज्यादा रश वाला ड्रामा हो और अच्छा ड्रामा हो रहा हो और उसके अंदर उसको छोड़ दिया जाए, वो आपको भी खराब करेगा, उसको भी खराब करेगा, खुद हाईलाइट होकर निकल जाएगा। अब शो के अंदर इतना रश नहीं होता, वहां पर लाफ्टर नहीं होता, जब वो बैठ जाता है तो बैठ जाता है। आफ्ताब साहब ने उसको इस हवाले से ये सही कहा था कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो शो होते हैं ना उसके लिए वो मौजू नहीं है। पेड़ में दानदार, पेड़ में पेड़, बस बहुत ज्यादा रश हो तो जुगता करनी है जी, तुम जुगता ही करी जाने, जुगता ही करी जाने, और कुछ नहीं करना। सलीम अलबेला जो ना उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो बहुत आला है, ठीक है। उसकी पंच लाइन बड़ी मजबूत होती है, बहुत अरसे से वो काम कर रहा था थिएटर के ऊपर। थिएटर के ऊपर भी आवाज जो है ना वो पब्लिक तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल था, आवाज छोटी थी। जब उसके हाथ में ये मीडिया आया, ये मीडियम आया उसके हाथ में, उसकी पंच लाइन कैश होना शुरू हो गई। इसके अंदर उसने वेरिएशन भी दी है, अपनी पंच लाइन को बहुत अच्छे से कैश भी करवाया और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी लेकर चला है। और उसके ऊपर सोने पे से आ गया उसके साथ, जब वो अपना गोगा आ गया ना, तो बस उसके बाद फिर सत्य कह रहा हूँ। सर आगा माजद, आगा माजद एक्टर बहुत अच्छा है, पंच लाइन बहुत अच्छी है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह ने उसको बहुत अच्छा नवाजा है। और फिर दूसरा ये कि उसके अंदर बर्दाश्त बहुत है दूसरे की पंच लाइन को हजम करने की, ठीक है। रिएक्शन उसका बहुत हैवी है। तो कितने नंबर देंगे आप उनको? उसको भी 10 नंबर दिए जाए तो मैं कहता हूँ कि कम ही होंगे। अच्छा, ओ क्या बात। अच्छा, नासिर चनेउटी खतरनाक आर्टिस्ट है। अच्छा, ओके, खतरनाक, उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो करवाया जा रहा है उनसे, जितना उसको आता है या जितना वो कर सकता है, अभी उतना इस्तेमाल नहीं हुआ, एक्सप्लोर नहीं किया गया, एक्सप्लोर नहीं किया गया। बब्बू राणा सिंगर बहुत अच्छा है। अच्छा, गायक कलाकार बहुत अच्छा है। उसको आफ्ताब इकबाल साहब का बहुत इस बात पे मशहूर होना चाहिए कि उन्होंने उसको कॉमेडियन भी बना दिया। आप मानते हैं उनको कॉमेडियन में से? नहीं, कॉमेडियन देखे, कॉमेडी ऐसी चीज होती है अगर आप कोशिश करते रहे तो कहीं ना कहीं आप खड़े हो ही जाते हैं। वैसे बब्बू राणा साहब खोचल तो हैं आप, हैं कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब से वो लकब ले लिया फतेह अली खान साहब का, और कहीं उनकी मुलाकात होगी राहत सर से। अब राहत फतेह अली खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, उनको उन्होंने बड़े मोहतबाना तरीके से बताया कि सर मुझे ना आफ्ताब साहब ने फतेह अली खान का लकब दे दिया है। राहत भाई ने क्यों किया कि ओकड़े शहंशाह कवाली ने। देखिए, अगर उसकी पैरोडी गायकी में नंबर दिया जाए तो वो 10 नंबर का है। लेकिन हम गायक पे नहीं तोल रहे इस वक्त, तो हम कॉमेडी, कॉमेडी में उसको मतलब आप 6 नंबर दे सकते हैं आप, ठीक है। हनी अलबेला मतलब बड़े बाप का अच्छा बेटा है, अल्लाह ताला ने एक टाइम पे आके उनकी मुलाकात आफ्ताब इकबाल से करवा दी, तो लेकर भी मैं ही गया था उनके पास उनको, हालांकि वो सलीम अलबेला को उनका बेटा समझते थे। जब मैं हनी अलबेला को लेकर गया, कहते यार मैं तो विकी तेनू गया सी अलबेला साहब के पुत्र नु लेकर, मैं कह जी असली यही है। तो आप कितने नंबर देंगे इनको? यार इनको आप दे दे। मैं चाय पीला तो नंबर दे दे। चाय पीला नंबर दे दे। मेरा तो बच्चा, मैं तो चाह रहा कि मैं 100 नंबर दे। आए सदके जाऊं बहुत से। विकी बाबू प्लीज मुझे भी नंबर दो और 10 साल का खर्चा भी दो। अच्छा, पता क्या, इसके पास नंबर सबके हैं, इसके पास खर्चा नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो विकी? जा नहीं, ब्रेक खत्म हो गई है, आओ भाग चले। मेरा गेस्ट छोड़ दे भाई, सॉरी पकड़ लिया नो। आप अपने टेस्ट कराएं, आप में मर्दाना ताकत ज्यादा है। किसी वाकिफ लैब की रिपोर्ट लग रही है। ना वाकिफ तो रिपोर्ट के पैसे लेते हैं। इससे पहले कि नैब की रिपोर्ट आ जाए शो शुरू करने तो। कितनी खूबसूरत लग रही है,
ये मज्जा जी शिवरिया राय होंगी अगों कहीं थैंक यू वेरी मच विक्की भाई क्या हर बीवी खावत पर शक करती है या ये सादत चंद खुशनसीब खावतों के हिस्से आती है बीवी जो होती है ना वो शक अपने जहेज में साथ लेकर आती है शक करना उसका बुनियादी हक होता है जो बीवी शक करती है वो बीवी होती है जो शक नहीं करती फिर उस बीवी पे शक करो शक क्यों नहीं कर रही है और बीवी से डरा करो अगर डर नहीं लगता तो डरने की अदाकारी किया करो ओके ओके नहीं नहीं बीवी के साथ पता है ना ये कहता ही रहेगा मुझे बड़ा प्यार है तुम बहुत अच्छी लगती हो फिर इसमें खुश रहती है वो और आप दिल में प्यार करते हो ना वो मानती नहीं है और एक दिल वाला प्यार नहीं मानती इजहार चाहती है इजहार चाहती है मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम में एक बीज बोए और शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहां तक है बालिग होस्ट मोहब्बत का पौधा तो तनावर दरख्त बन चुका वो भी बरगद का इसीलिए तुम्हारी बातों से बरगद उठ चुकी है अब तो पूरा चौक बन गया माशाल्लाह हां जी ऐसे दरख्त के थले एक नजूमी भी बैठा तोता रख ले जेड़ा ऐसे दरख्त की किस्मत दा हाल दा असर रहंदा ए लो जी ना नु कदी फल लगना जी हाय हाय ते ना उम्मीद रखे और सामने तीन चार रेड़ियां भी लगी हैं कोई शरबत बेचदा और अल्लाह दे फजल नाल वेखदा कुछ नहीं एहो जे दरख्त है सारे यहां से मनुष्य और ये चौक कोई आम चौक नहीं बरगद मार्केट है अच्छा और साथ ही सीमी पार्लर है विक्की बाबू ये वो बोर्ड वाला चौक है जिसके दरख्त पे बैठ के कौवे सारे दिन बीट करते हैं और उसी बीट पे ये डांस कर रही होती है और साथ गा रही होती है बैठे बैठे बरसा विक्की सर आपकी बेगम आप पर शक करती हैं या उन्हें पूरा यकीन है और जो शक करती है ना उस बात का उसे पूरा यकीन है बढ़िया जवाब बब्बू बराल साहब मेरे पसंदीदा बब्बू बराल साहब के साथ नहीं वो सबके पसंदीदा बब्बू बराल मैं उनको होने ऐसे करता हूं ना कि मेरे बहुत पसंदीदा तो सर आपने उनके साथ भी काम किया सर उनका सिम कार्ड बाकी फनकारों से मुख्तलिफ था बहुत मुख्तलिफ मतलब बिल्कुल अलग मेरा एक ड्रामा आप देखिएगा मिस कुमकुम मेरी शादी हुई है तो सब सो गए हैं तो उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है तो मैं अपनी बीवी के साथ बैठ के अपनी जिंदगी के मामला तय कर रहा हूँ मतलब सुहाग रात है तो बब्बू साहब आके सोफे के ऊपर लेट गए मैंने उनको ये कहा कि भाई इधर किधर सो रहा है तू अंदर जाके सो यूं करके लेटे हैं यूं करके लेटे हैं आए हाय वाह वाह मतलब वो देखना वो कोई और भी देखेगा ना वो समझ नहीं आएगा वो सिर्फ बब्बू बराल का ही सुर था पागल बने किने क्या एना क्या और हिट हो गया पागल हो गए हैं लोग और दुर्फिट मुंह बकवास कर लांपिया की प्या करना है फिर उस सुर के अंदर और लाहौर के थिएटर में बब्बू बराल साहब को सबसे पहले तारिक जावेद साहब ने पहचाना और उनको आगे बढ़ाया इसमें कोई शक नहीं है तारिक जावेद साहब अल्लाह ताला उनको भी गिर के रहमत करे तो कौन बंदा है जिनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया सर तारिक जावेद साहब जब प्रोड्यूसर से एक्टर बने तो वो माहौल भी दीदनी था बल्कि अमानुल्लाह साहब का जुमला मैं यहाँ पे कोट करता हूँ उन्होंने कहा कि ऐसे लगा जैसे लता मंगेशकर लाहौर आ गई हैं अरे वाह वाह अमानुल्लाह साहब तो फिर क्या बात है जी उनका ये किसी के लिए कह देना अच्छा उन्होंने भी जिसका हाथ पकड़ा उठाया वो बंदा फिर नीचे सारे जिंदाबाद ही हुए तारिक साहब करते थे जुगत ਸਾਤੇ ਰਾਤ ਚੁੜੇ ਲੜਕਾ ਮੂੰਹ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਏ अब जब वो आए करते थे ना तो इसके साथ ਕਲੈਪ ਉੱਠਦੀ ਸੀ पहले चार पांच दिन तो अमानुल्लाह साहब को ना उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया बोला आए करें और उसके ऊपर पानी फिर जाए खान साहब कहे यार क्या करूं फिर खान साहब कहते हैं कि मैं दाता साहब गया जाके चादर चढ़ाई फिर उसके बाद उन्होंने आए को पकड़ा और कैसे पकड़ा कहते गल सुन ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਰ ਆਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਰਕ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਬੇਵਕੂਫਾ ਇਹ ਛੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰੇ ਕਰ ਆਏ तारिक जावेद साहब की ताकत पे हमलावर हुए अमानुल्लाह साहब और फिर तारीख रकम हुई बशीरा इन ट्रबल की सूरत में क्या बात ये मौला जाट और नूरी नाथ वाला हिसाब था कभी वो ऊपर आ रहे हैं कभी वो ऊपर आ रहे हैं लिखी डाल नहीं हाँ जी मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ लाहौर के 90% ख्वाजा सरा रात को आपके घर पार्क क्यों होते मैं ख्वाजा पार्क बनाई
वो मोहब्बत करते हैं और उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, वो भी हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। तो बल्कि मेरे साथ वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों गाड़ी में जा रहा था, एक ख्वाजा सरा आके कहता है देना लद ना दे कुछ देना, तो मैं उसकी तरफ अभी देख रहा हूँ, तो मैंने हल्का सा शीशा उतारा तो पीछे से दूसरा कहता है रहन दे आप साढ़े को नच के कमांदा। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला, पहला प्यार आ गया जादू नगरी से दूल्हा जादू गर्रा। नौशा मियां फिर भाग है ना आप मंडप से। मुझे पता चला है कि नसीम विकी इस शो में आए हैं, इनकी तो बहुत एक्ट्रेस वाकिफ है। तो क्या कर सकता हूँ आपके लिए मैं? बस किसी साइड हीरवन के साथ साइड पर जाकर मेरे फेरे लगवा दीजिएगा। ये जो मेरे साइड पर बैठी है ठीक है? वैसे नौशा मियां आपकी शादी एक ही सूरत में हो सकती है, क्या उस दुल्हन की पहले 77 शादियां नाकाम हो चुकी हूँ। मैंने एक दुल्हन से शादी की थी लेकिन वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, यानी 17 साल और 4 घंटे बड़ी थी, और उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, उसका मुंह ऐसे था। और उस दुल्हन से इसके एक बेटा भी है। कौन? हाथ में पाइप पकड़ता है। सुन ले। ये पीने वाला है, वो पानी छिड़कने वाले की बात कर रहा है। विकी भाई, अब हम कॉमेडी में जो आपकी पेस है उसी पेस में सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? और जवाब आपने सोच समझकर बिल्कुल नहीं देना। सर, किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ साहब या अमानुल्लाह साहब? दोनों। ओके। शान या हुमायूं सईद? शान। ओके। फेवरेट डायलॉग राइटर, नासिर अदीब साहब मौला नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरता, या फिर सलीम जावेद साहब 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा? मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरता। सब कॉन्टिनेंट का फिल्मी कॉमेडी किंग, महमूद साहब या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर जरीफ साहब। जिंदाबाद। लता जी या मैडम नूरजहां जी? कहा तो दोनों को जा सकता है लेकिन मैडम नूरजहां। ओके। अरे वाह। हाजी अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब या फिर तारिक जावेद साहब? ये सारे। क्या बात है, ये है। सर, ज्यादा पोटेंशियल किस में आपके यहां, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर या फिर कृष्णा? सुनील ग्रोवर। सर, जब आप और शकील साहब उधर थे तो ज्यादा उधार किसने लिया, आपने या शकील भाई ने? हम दोनों उधार दोनों ने लिया। उन्होंने आपको बताया नहीं। वहां का एक मैं वाक्य सुना देता हूँ। मैं और शकील भाई दोनों कमरे में थे तो रऊफ लाला हमारे उनको पैसे चाहिए थे। तो अच्छा। कहते शकील मुझे थोड़े पैसे दे, कहते मेरे पास नहीं है। अच्छा। फिर मुझे कहते थोड़े पैसे दे, मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है। कहता तुम दोनों मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं नीचे जाके मांगूंगा और तुम्हारे मुल्क का नाम खराब करूंगा। हम लोग मर गए थे। गिर गए भाई। बहुत बढ़िया, क्या बहुत अच्छा बहुत। सर, अब मैं कुछ अधूरे गीत छेड़ूंगी और आपने उनको मुकम्मल करना है। सर, पहला गीत है जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जलते अंगार ले लूंगी मैं। अंगारे। सॉरी। अच्छा, गहरे पानी की मछली हूँ राजा, घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। बताइए नसीम भाई। चिकनी चमेली। अरे गाना तो आपने बहुत बढ़िया गेस किया, आप इस पे उठे फिर। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली लख मारे, कब से कमरिया सारी कभी झुके से लख मारे, नोट हजारों पे उनका झूठा कराने आई, उठने की दीदी से मेरी चलो चलाने आई, आई चिकनी चमेली चुपके अके चढ़ा के आए, आए चिकनी चमेली चुपके अके कौवा चढ़ा।
है? आंख में थी हया और मुलाकात पर सुर्ख आरज हुए, वस्ल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। वन एंड ओनली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मेरे रख से कमर, मेरे रश के कमर, आओ मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पाजी यकीन मनो तुसी आज पब्लिक डिमांड पे आए हो, वाकई मजा आ गया। अरे बहुत शुक्रिया, तो अगर मजा आ गया तो मेरे पैसे पूरे हो गए। थैंक यू सो मच, बहुत लुत्फ आया एक्चुअली, और आपने तो जो रौनक लगाई है आज वो हमें सदियों याद रहेगी, और अगली मुलाकात तक इसका जायका मुंह में रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुंह में जो जायका रहेगा उसके बाद जरा हम सबके दांत भी खट्टे करते जाएं, क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारे आखिरी सेगमेंट हैप्पी रोस्टिंग का। अच्छा सर, आपने हम सबको एक एक जुमले में रोस्ट कर देना है, और आपसे बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास रोस्ट करने के लिए। दुल्हे मियां जी, हजूर वाला, ए ओ दूल्हा जेनू दुल्हन का घर नहीं लग रहा। अगली बारी शेरी नन्ना। आए शेरी नन्ना, ए ओ दुल्हन है जदों बाहर आंदी है ना ते बारात भी दौड़ जांदी है। ओ आ गई, ओ आ गई, ओ आ गई जी, निकलो। अगली बारी है अल्लाह रखा साथ। हां जी, ए ओ रजनीकांत है जेड़ा नारियल वेख के कहंदा है की है। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साथ। आए राजकुमार, कम राजां दा ते ना कुमारां वाला। अगली बारी है फलक जी की। दुनिया का पहला फलक है जो जमीन पर फिर रहा है। मेरा ख्याल धुंधे दिन ही थले आ जाती है। अगली बारी है जोहा जी की। कभी ठंडा पिज्जा खाया आपने? नहीं, नहीं खाया ना, पर ठीक है मैं कहना कुछ नहीं, बस इन्हें दो। सर अगली बारी है हमारे होस्ट जी की। होस्ट yes, सर। माशाल्लाह सर, अगर इतने साढ़े को जूसर हो ना तो एडा सोहना गाजर का जूस लिख ले।